हेलो फ्रेंड्स, आईपीएस आरआरबी ऑफिशियल स्केल 1 जो मार्क बेस पजल था वो उसका क्वेश्चन भी मेरे को मिल चुका है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक्चुअली पहले शीट में, सेकंड शीट में, ऑलरेडी दो शीट में ये आ चुका है थोड़ा बहुत डेटा डिफरेंस करके, तो अगला शीट में या अगले दिन में भी आ सकता है। चलिए देख लीजिए। देयर आर 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी ओके बॉर्न इन 8 डिफाइंड मंथ। एक्चुअली यहाँ पे 8 डिफाइंड मंथ नहीं होगा, यहाँ पे पता नहीं ये क्वेश्चन में था ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे 7 था, 7 ही मान दिया हुआ है। देखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ ही दिया है। ठीक है, तो 7 पर्सन बॉर्न इन 7 मंथ ओके। एक्चुअली तो ए बॉर्न इन, अच्छा इस पजल को सॉल्व करने से पहले मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, सभी डेटा को पहले इकट्ठा कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप कर लीजिए। ठीक है, तो पहले आपको ये जैन, फेब, मार्च यहाँ पे मंथ आप दे दीजिए, देख सकते हो पहले मैं लिख दिया हूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून ओके ओके। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, ए बॉर्न इन मंथ ऑफ लेस देन 31 डेज, ये जो क्या है ये 31 डेज के जो नहीं है इसका लेस है उसके एक महीने में उसका बॉर्न हुआ है। ठीक है, अच्छा बट नॉट इन अप्रैल, अप्रैल में नहीं है ये पक्का है। ठीक है, तो तब पहले तो ये बात कंफर्म कर लूँ कि यहाँ पे कौन 31 है कौन 31 नहीं है। तो जैन ऑब्वियसली 31 है, फेब तो आपका 21 या 29 होगा, अच्छा मार्च आपका 31 होगा, अप्रैल आपका 30 होगा, जून आपका 30 होगा, ये 31, ये 31 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। अच्छा, तो ए आइदर अप्रैल में नहीं हो सकता है, तो आइदर जून और फेब्रुअरी। ठीक है, तो ओके चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको ए आइदर फेब और जून। ठीक है, दोनों के एक में होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, देयर आर 3 पर्सन बॉर्न इन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी सॉरी। अच्छा, 3 पर्सन जो है वो आर ए ए आर बी के बीच में। ठीक है, ओके चलिए। बी बॉर्न वन ऑफ द डे आफ्टर डी, बी जो है वो डी के बाद ही बॉर्न किया है, तो डी इमीडिएट, तो डी भी होगा क्योंकि यह पे दिया हुआ है नो पर्सन बॉर्न इन बॉन्ड बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी एंड डी एकदम इमीडिएट होगा। अच्छा, ई बॉर्न इन वन ऑफ द डे बिफोर जी, ई जो है वो आपका जी के पहले। अच्छा, ई नॉट बॉर्न इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, मतलब 31 डेज में इसका बॉर्न नहीं होगा। ठीक है, ई का 31 में बॉर्न नहीं होगा। अच्छा, नो पर्सन बिटवीन ई एंड जी, मतलब यहाँ पे भी एकदम इमीडिएट है। तो देखिए, अच्छा तो मतलब डी और बी जो है ये एकदम एक साथ होगा, ई और जी जो है यही ए भी एकदम साथ में होगा। तो अगर मैं फेब्रुअरी में ए बैठा था तो 1 2 3 यहाँ पे सी होता, तो देखिए यहाँ पे 3 गैप रहते, आइधर यहाँ पे 4 चाहिए, आइधर यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 होगा। अगर आप डी बी और ई जी एक को प्लेस किया होता तो बाकी दो को आप कहाँ पे प्लेस करते, तो ये नहीं होगा, ये आप काट दीजिए। तो मैक्सिमम क्या होगा, जून ए पे हो सकता है, ए पे अगर जून होगा तो इसके 3 गैप दीजिए, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आप 2 प्लेस कर सकते हो, 3 के बीच में 2 को प्लेस कर दीजिए और एक बाकी जो है वो एफ बाकी है, आप एफ को प्लेस कर दीजिए इसके बीच में। तो देखिए इस तीनों को बीच में किसको आप प्लेस कर सकते हो, तो डी बी बाद एकदम साथ में होगा। ठीक है, तो डी बी को अगर आप प्लेस करोगे तो ई का एक कंडीशन दिया है 31 डेज है नहीं होगा, 31 से लेस होगा। तो देखिए 31 मतलब यहाँ पे ई जी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही 31 है, तो ई जी यहाँ पे होगा, ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पे भी ई जी नहीं कर सकते कि ये 31 आ जाएगा,
अच्छा, तो और दोनों प्लेस फाकी फाका क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे आप एफ को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यही आपका अरेंजमेंट जो है ये बन चुका है, ठीक है, एकदम इजी है। मेरे ख्याल से जो पजल आ रहा है एकदम इजी है। अब अगले दिन के लिए भी इसी तरह का पजल प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए।